नमस्कार, न्यूज एनसीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज कौशिक। परिवहन मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ वासियों को 2,50,00,000 की सौगात दी है। वीटा चौक के पास सेक्टर 2 से सेक्टर 62 तक जा रहे बल्लभगढ़ रजवाहे के साथ बनाए जाने वाले दादा पोते वॉकिंग ट्रैक की आज नारियल तोड़कर आधारशिला रखी गई। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि इस ट्रैक के बनने से पहुंचेगा सेक्टर वासियों को काफी लाभ। सुबह शाम सेक्टर वासी इस पर सैर कर सकेंगे। इसी ट्रैक से पहले बल्लभगढ़ रजवाहे को भी RMC के रोड द्वारा पक्का किया जा चुका है। सिंचाई विभाग द्वारा बनकर तैयार होने वाला यह ट्रैक करीब 2.75 किलोमीटर लंबा होगा। 2.5 करोड़ की लागत से बनकर तैयार होगा। 2.5-3 किलोमीटर के कुछ आसपास है, अर्बन इलाके में है। और से क्या है कि जो बड़े बूढ़े हैं, बच्चे हैं, जो इस पर वॉक कर सकते हैं, जो पार्कों में उनके को घूमने होता, बड़े बूढ़े यहाँ पे सारे इस पार्क का लाभ उठाइए और इससे शहर की जो बेहतर जो तरक्की वो जुड़ेगी। तो मेरा इससे सब रजवाए से कि सबसे पहले रजवाए को क्या है कि अपने कीटनाशक शाप है, गेड़ा है, किस तरह के जो जंगली जानवर तो वो जीव जंतु तो रहते हैं। और इससे सबसे बड़ी लाभ ये है कि शहरों की जो तरक्की होगी, सेक्टर की 64 की 62 की 63 की तरक्की की जा रही है। और लोगों को क्या है कि जो सड़कों पर बाईपास पर घूमते थे वो लोग इसका लाभ उठाएंगे। इस पर कितनी लागत सर इस पर आएगी? 2.5 करोड़ की लागत से बनकर तैयार होगा। और जल्दी से जल्दी इरीगेशन महकमा इसको बनाने का काम कर रहा है और इसको बेहतर के साथ इसको उठाएंगे। और इसमें क्या है कि कोई भी व्हीकल नहीं चलेगा, इस पर सिर्फ कि घूमने का ही काम करेंगे। कोई भी नाम जो बड़े पेड़ हैं, पीपल हैं, बड़ है जो है, और ज़्यादा से ज़्यादा हम पेड़ लगाएंगे जो लोगों को लाभ